नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लैपटॉप के ऐसे पांच रिफ्रेश सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका लैपटॉप बहुत ही फास्ट यहां चलेगा, बिल्कुल नए की जैसा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। हम लोग वो कौन से रिफ्रेश सेटिंग है पांच जो हम करने वाले हैं, जिससे हमारा लैपटॉप बहुत स्पीड में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले टाइप करना होगा, ठीक है, विंडो प्लस आर करेंगे तो आप में रन का पॉपअप खोल के आ जाएगा। इसमें आपको लिखना होगा टैंप, ठीक है। तो टैंप के लिए सबसे पहले आपको लगाना होगा 50%, फिर आप नीचे देख रहे हैं टैंप लिखा आ गया, इस टैंप को आपको क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। टैंप आप देख रहे हैं ना, TEMP टैंप लिखा आ रहा है, फिर हमने यहाँ लगाया है 50% का निशान, ठीक है। ये दोनों तरफ आपको लगाना है, उसके बाद इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ढेर सारी टेम्परेरी फाइल्स आ गई हैं जो मेरे काम की नहीं है, और ये फर्जी लैपटॉप में सेव हुआ करते हैं, तो इसको सबको डिलीट कर देना है। यहाँ से क्या करना है, हमें कंट्रोल ऑल करना है और इसको राइट क्लिक करना है और डिलीट पे जाना है और डिलीट कर देना है इसको सीधे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो वो टेम्परेरी फाइल यहाँ पे बच जाएंगी जो आपके स्क्रीन पे रन कर रहे होंगे। अब ये ऐसा आएगा यहाँ पे विंडो, तो यहाँ पे जो डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इसको स्किप कर दीजिए। ये देखिए आपके पास तीन फाइल बची हुई जो कि आपके विंडो में रन कर रही है, मतलब ये चल रही है, तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और एक बार अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करके फिर हम टाइप करते हैं विंडो प्लस आर, फिर ये टैंप आ जाएगा। अब टैंप में क्या करना है कि मुझे ये जो ब्रेक निशान है ये हटा देना है, ठीक है। ये सिंपल सा मुझे TEMP टैंप यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्लिक कर देना है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ क्योंकि हमने भी आज ही इसको पूरा हटाया है, तो इसलिए मेरे बहुत कम है, आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल ऑल करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मेरे पास में वो फाइलें बच गई हैं जो मेरे विंडो में रन कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से हटेंगे नहीं, इसलिए इनको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरी फाइल यहाँ पे ये रहेगी। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं और एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गई दूसरा रिफ्रेश सेटिंग। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे के लिए भी आपको वही करना है, विंडो और आर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाएगा टैंप, इस टैंप को हटा देना, यहाँ पे लिखना है परफेच, ठीक है। तो PER, ठीक है, पी परफेच यहाँ पे लिखना है आपको। तो परफेच में क्या होता है कि ये तीन फाइलें आप में होती हैं जो 24 घंटे वो डिलीट, मतलब ये कि 15 दिन का अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको परफेस में जो लिखना है पी, ये देखिए नीचे लिखा आ गया है PREFETCH परफेच, ठीक है, आपको ये लिखना है और इसको ओके कर देना है। ये देखिए परफेस में मेरे पास करेंटली कोई टेम्परेरी फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ओके बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम PRE परफेच आ गया है, हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये आ गया, और हम इसको यहाँ से टिक कर देंगे। अगर परफेच में कोई फाइल होगी तो मेरी आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो 2 सेकंड वेट करना होगा, अगर है तो आएगी कोई फाइल, अगर कुछ भी पड़ी हुई है, नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि परफेच में मेरे पास कोई टेम्परेरी फाइल नहीं है यहाँ पे, इसलिए कुछ भी नहीं आया है। आप में हो सकता आएगा, तो उसमें भी जितनी फाइलें आती हैं सबको आपको डिलीट कर देना होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर चौथे सेटिंग के लिए मुझे जाना है जिस PC में, और इसमें मुझे राइट क्लिक करना है, जो विंडो सी है, विंडो सी पे मुझे राइट क्लिक करना है और इसमें जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज जाने पर यहाँ पे डिस्क क्लिनिक, ठीक है, डिस्क क्लिनिक पे आपको क्लिक करना है। जी तो मेरे अंदर जितना भी है वो क्लीन हो रहा है, मेरा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम रोज़ाना करते हैं।
आप में टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप खुल गया आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ में चेक मार्क है, कुछ में चेक मार्क नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे चेक मार्क नहीं है वहाँ वहाँ पे आपको चेक मार्क लगा देना है, ठीक है। यह आप देख रहे हैं, मैं सब में चेक मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लगा दिया, यहाँ भी लगाना है, और इसको फिर नीचे तक देख लेना है। फिर ये जो ओके का ऑप्शन है इसको मुझे क्लिक कर देना है। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, यू आर श्योर और वांट टू परमानेंटली डिलीटेड दिस फाइल, ओके कर देना है यहाँ पे। और जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल या जो कुछ ऐसी फाइल होगी जो आपकी अनयूज है वो डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो मेरे में जल्दी हो जाएगा, आप में अगर और ज़्यादा अधिक फाइल है तो कुछ टाइम लग सकता है। अब ये मेरा क्लीन हो गया, हमको यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है, और इसको यहाँ से मुझे काट देना है। अब लास्ट सेटिंग मेरी बचती है जो कि आपको मीनू वाले टैब में जाना होगा, ये जो आपका मीनू वाला टैब है यहाँ से, ठीक है, आपको इसके अंदर जाना होगा, ठीक है। स्टार्ट में, स्टार्ट में जाने के बाद आपको इसमें ढूंढना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है वो, तो वैसे भी मुझे नाम याद नहीं है, ये आपको दिख रहा है ना, विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है, आपको ये क्लिक करना है, विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, ये आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, डिफरामेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस, आपको ये क्लिक करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर डिस्क लगी होती है, डिस्क के अंदर ये देखो मेरा ये यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज है हमारा ड्राइवर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही हम जो हार्ड डिस्क एफ है उसको भी हम क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहले इसे मुझे सेलेक्ट यहाँ करना होगा और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर देना होगा। इसमें ज़्यादा डेटा नहीं होता है तो ये जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ये देखिए बहुत जल्दी चल रहा है ये, और ये जल्दी हो जाएगा, ये देखिए ये आपका क्लीन हो गया। ऐसे ही अब जो हार्ड डिस्क जी है हम उसको सेलेक्ट करके और उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, ये भी हमारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लीन हो चुका, मतलब ये हमारा ओके हो चुका है सब, यहाँ पे देखिए ओके दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है कि एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका लैपटॉप बिल्कुल नए जैसा चलने लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।